कर दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से कहानी में जोरदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर रिया तो वहां से चली आएगी उन गुंडों के पास से, लेकिन इस समय प्राची और साथ में रणवीर दोनों ही जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस समय सहाना उन लोगों के आस पास ही है और वहाँ पर रिया भी फंसी हुई है और इधर सिड की बहन भी फंसी हुई है। उन गुंडों ने शर्त रखी थी आलिया से कि तुम हमें इतने रुपये दे जाओ, 15 लाख और ले जाओ, लेकिन दोस्तों वहीं पे ही रिया ने अपना तो पेमेंट कर दिया है 10 लाख रुपए का, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही दोस्तों रणवीर प्राची पहुंचेंगे वहां पे, उसके पहले ही रिया वहां से रफू चक्कर खोलेगी, लेकिन सहाना पूरी बात बता देगी रणवीर को, और रणवीर को जब समझ आएगा कि हाँ इतना तगड़ा प्लानिंग कर रही थी रिया और आलिया सिड की बहन के साथ में, इसलिए सिड ने मजबूरी में झूठ बोला था प्राची के लिए, क्योंकि अब कहानी में पूरी तरीके से सुलझती हुई नजर आने वाली है कि आखिरकार किसके तार किसके साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय सिड और प्राची की शादी भी पूरी तरीके से कैंसिल होती हुई नजर आएगी, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से प्राची खुद बोलती हुई नजर आने वाली है कि मेरा और सिड का किसी भी तरीके का एक दूसरे के साथ में कोई संबंध था भी नहीं, लेकिन इन लोगों ने हम पर झूठा आरोप लगाया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है इस रिलेशन से तो वो रणवीर था, क्योंकि रणवीर किसी भी तरीका से प्राची को अपने से दूर नहीं कर सकता, और ये चीज़ रणवीर ने बहुत पहले प्राची से भी बोला था। लेकिन दोस्तों अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में घना दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से सहाना बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि रणवीर जिस रिया को तुम बहुत अच्छा मानते हो वो सबसे ज़्यादा घटिया हरकत की है उसने सिड की बहन के साथ में, और जो सिड की बहन है तो वो तुम्हारी भी बहन लगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा गाइज कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।